कि साउथ के MGR चेन्नई सेंट्रल को बिहार के छपरा जंक्शन से जोड़ती है। और अगर ये सुबह सुबह जर्नी हो ना तो रात भर नींद नहीं लगती। फॉग इतना है कि मतलब एकदम तगड़ी वाली फॉग थी। एक चीज़ और बता दे, जो ये वाली ट्रेन है ना, इसी ट्रेन को हम लोग को बोर्ड अपनी ट्रेन को सुरेमनपुर में इसने चैंपनिंग कर दी है। और सीन एकदम सोचने वाला सीन हो चुका है इस टाइम। एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो सो गाइस, आज हम लोग का सफ़र होने वाला है अपने होम टाउन यानी गाजीपुर सिटी से। की बात करें ना तो काफ़ी मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है इस रूट पे, जो कि साउथ के MGR चेन्नई सेंट्रल को बिहार के छपरा जंक्शन से जोड़ती है, गंगा कावेरी एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 12669। और एक बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि जो पहले कोविड टाइम में ट्रेनों के नंबर में जो 0 लगाया गया था स्टार्टिंग में ना, वो हर ट्रेनों से हट चुका है पूरा। तो अब जो पहले नॉर्मल नंबर था अब वही नंबर रहेगा। फेस्टिवल एक्सप्रेस चलाए जाते थे उसके नाम पे, मतलब कि ज़्यादा किराया लिया जाता था ना, वो सब अब हट चुका है, नॉर्मल हो चुका है। जैसे नॉर्मल पहले कोविड से पहले ट्रेनें चला करती थी, जो नॉर्मल फेयर था ट्रेन का, अब वैसे ही रहेगा। अपनी ट्रेन अप्रॉक्स 5 या 10 मिनट में आने वाली है, बट अपनी ट्रेन का तो एक्चुअल टाइम था यहाँ पे 6:33 पे, बट अपनी ट्रेन 1 आवर डिले हो चुकी है, तो लगभग 7:35 या 7:40 तक अप्रॉक्स आ जाएगी। और अगर ये सुबह सुबह जर्नी हो ना तो रात भर नींद नहीं लगती है। तो सुबह 5 बजे का ही उठे थे, क्योंकि एक्चुअल टाइम 6:33 था तो आना था, बट वाराणसी जंक्शन तक ट्रेन तो सही आई थी, फिर उसके बाद वाराणसी जंक्शन से ट्रेन डिले होते गई और जाके 1 आवर डिले हो गई। तो और फॉग तो काफ़ी ज़्यादा है, कुछ दिख नहीं रहा है दूर तक, मतलब बस थोड़ी दूर तक दिख रहा है, आप लोग दिखाते हैं, देख सकते हैं फॉग है, ठंडी है, बट क्या ठंडी है तो ठंडी पड़ेगी, और हम लोग को जर्नी करना है तो हम लोग करेंगे, किसके लिए, बस आप लोग के लिए। सनराइज़ भी बहुत ही खूबसूरत हुआ है, फेस पे देख सकते हैं सनराइज़ का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, बट अभी दिखाने वाले हैं नहीं हम, क्योंकि जब ट्रेन आएगी ट्रेन बोर्ड करेंगे, फिर जब ट्रेन निकलेगी यहाँ से तब देखने को मिलेगा। तो सो गाइस चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने। फॉग इतना है कि ट्रेन तो आ चुकी है बट ट्रेन नहीं दिख रही है, आप लोगों को हॉर्न सुनाई दे रहा होगा और हमें भी हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा है, फॉग की वजह से ट्रेन का लोकोमोटिव नहीं दिख पा रहा है। चलिए आप पास में आती है तो लोकोमोटिव देखते हैं कौन सी लोकोमोटिव है। और अपनी ट्रेन में लोकोमोटिव लगा है विजयवाड़ा का WEB4, और ये गंगा कावेरी एक्सप्रेस अभी तक ICF रेक के साथ चल रही है, LHB रेक नहीं मिला है, बट इस ट्रेन को मिल जानी चाहिए। ट्रेन से हम लोग लगभग टोटल डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 130 किलोमीटर 2 हॉल्ट के साथ 3 आवर 5 मिनट में। ट्रेन गाजीपुर सिटी से रवाना हो चुकी है 1 आवर 2 मिनट डिले के साथ। इससे पहले आप लोग ने जो कर्व देखा है ना, कितना फॉग था, मतलब एकदम तगड़ी वाली फॉग थी, लोकोमोटिव नहीं दिख रहा था। अप्रॉक्स हम लोग लोकोमोटिव से 15 या 16 कोच में हैं, तब भी लोकोमोटिव नहीं दिख रहा था क्लियर, आप लोग ने देखा ही होगा। का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं अपने फर्स्ट हॉल्ट, लेकिन 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 ट्रेन की फर्स्ट हॉल्ट नहीं, अपने फर्स्ट हॉल्ट पहुँच चुके हैं बलिया,
जिसको हम लोग बागी बलिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ का स्टेशन कोड BY और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म बात करें तो 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और 78 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट है। और यहाँ से 10 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं और 10 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती हैं अपने बलिया से। ट्रेन यहाँ पे लाई है 1 hour 5 minute डिले और यहाँ पे ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और डिले होने का रीज़न चैन कूलिंग हो गई थी एक बार, बट वो क्लिप हम शूट नहीं कर पाए, सो गए थे। बट लेकिन चैन कूलिंग हो गई थी, उसके बाद ट्रेन रुक रही थी, चल रही थी, मतलब कि गाजीपुर सिटी से यहाँ तक आने में बहुत ही टाइम लगा। और पीछे से देख रहे हैं सारनाथ एक्सप्रेस रवाना हो रही है जो वाराणसी की तरफ जाएगी। अपनी ट्रेन बलिया से रवाना हो चुकी है और यहाँ पे पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। और एक चीज़ और बता दें, जो ये वाली ट्रेन है ना, इसी ट्रेन को हम लोग को बोर्ड करना है बट छपरा से करना है। ये ट्रेन खुलेगी बलिया से ही बट छपरा से बोर्ड करना है। लेकिन ट्रेन हम लोग की डिले चली थी, लग रहा था नहीं मिलेगी बट ये ट्रेन अभी यहीं खड़ी है, हम लोग यहाँ निकल चुके हैं। तो हम लोग इस ट्रेन से पहले छपरा पहुँच जाएंगे। तो वो और इस ट्रेन की जो जर्नी ब्लॉग आएगी ना, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएंगी, ये तो अलग रहेगी ना। काफ़ी अच्छा है सनराइज व्यू और फॉग वॉग भी है थोड़ा, तो सनराइज व्यू देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं सनराइज व्यू। जस्ट हुआ क्या कि 2-3 लोग थे अपने कोच के और गेट पर खड़े थे और ट्रेन स्कूल में चली रही, देख रहे हैं वही RPF के लोग थे, स्पोर्ट में थे, तो मतलब ड्यूटी में होते हैं RPF की टीम, वही लोग आए, लोग को डांटे उठे हैं, अंदर ही बैठा, अंदर इतनी सीट खाली है तब भी वो लोग गेट पे थे, देख सकते हैं पूरी मतलब अप्रॉक्स सभी सीटें खाली हैं, आराम से अंदर बैठनी चाहिए। हम तो अंदर आराम से बैठे थे, सॉन्ग सुन रहे थे। तो आप लोग भी जर्नी करें तो इस बात का ध्यान दें कि गेट पे ना रहें, अगर अंदर सीट है तो आप सीट पर बैठिए, अगर ना रहे तो गेट पे तो रहना ही पड़ता है। लेकिन गेट पे रहें तो गेट पे रहें ही नहीं, ऐसा तो नहीं कि मतलब कि एकदम गेट पे पकड़ के छूट दे रहे हैं, ऐसी वाली नहीं है। आपको बताया था बलिया में कि अपनी ट्रेन मतलब चैन कूलिंग हुई, तो क्लिप नहीं दिखा पाया और लीजिए फिर वही काम हो गया। अपनी ट्रेन को सुरेमनपुर में किसने चैन कूलिंग कर दी है और चैन कूलिंग होते हुए जो एयर होता है ना वो रिलीज हो रहा है ना, तो आवाज़ आ रही है। और इस साइड देखिए, और इस साइड जो सुरेमनपुर में पैसेंजर थे सब स्टैंड में बोर्ड करने लगे हैं छपरा जाने के लिए, और जो एयर रिलीज़ हो रहा है शायद पीछे से हो रहा है। तो RPF के एक दो लोग थे स्कोट में, वही लोग गए हैं। हॉर्न दे दिए ट्रेन, ट्रेन रवाना तो हो चुकी है बट इस ट्रेन की जो कंडीशन है ना वाराणसी और छपरा के बीच में बहुत ही ख़राब है, एक तरह से कह सकते हैं। मतलब कि वाराणसी तक ट्रेन एकदम ऑन टाइम आई थी, उसके बाद डिले होती गई। और आपने देखा था कहाँ चैन कूलिंग हुई थी, अप्रॉक्स गाजीपुर ट्रेन निकली थी तो चैन कूलिंग हुई थी, फिर अब छपरा पहुँचते पहुँचते सुरेमनपुर में भी एक बार चैन कूलिंग हो गया, ये दिक्कत है। लोग हैं जो स्पोर्ट में वो लोग क्या कर सकते हैं, 24 कोच की ट्रेन है और चैन कूलिंग कहाँ से हो जा रही है, तो लोग 2-3 लोग हैं तो वो लोग अकेले कितना कर पाएंगे, बस ये सब समस्या है। हम लोग को समझना चाहिए, हम लोग को नहीं करनी चाहिए, जहाँ स्टॉपेज है ट्रेन की वहाँ अपना बोर्ड करिए, जहाँ ट्रेन रुकने वाली है जहाँ आपको जाना है जहाँ ट्रेन रुकी वहाँ बोर्ड करिए। तो लोग कहीं भी चढ़ जाते हैं और कहीं भी चंद निकल उतर जाते हैं, क्या बोला जाएगा।
इससे पहले जो गंगा रिवर क्रॉसिंग की जो क्लिप देखी है ना, उसके क्रॉसिंग के जस्ट क्रॉस होते ही अपने फ़ोन पे जी वाले का मैसेज आया वेलकम टू बिहार, यानी कि अब अपनी एंट्री बिहार में हो चुकी है। और बता दें तो ये हम लोग का बिहार में फर्स्ट टाइम है, तो चलिए देखते हैं आगे बिहार का क्या सीन रहता है, क्या एक्सपीरियंस होता है। और अभी तो अपनी ट्रेन गौतम स्थान स्टेशन पर रुकी हुई है, जो कि छोटा सा स्टेशन है। ट्रेन के यहाँ पे हॉल्ट नहीं है बट रुकी है, बस इसके बाद जस्ट छपरा ही आता है, तो अब सीधे आपको मिलते हैं छपरा में। सीन एकदम सोचने वाला सीन हो चुका है इस टाइम, क्योंकि जो इस साइड जो ट्रेन है देख रहे हैं, और जिस ट्रेन में हम लोग हैं ना, जो आपको बलिया हमने दिखाया था कि हम लोग इस ट्रेन में बोर्ड करनी थी, वो ट्रेन अपनी गौतम स्थान में आके रुक चुकी है, और अपनी ट्रेन गौतम स्थान रुकी हुई है, और मेन लाइन से कोई ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है। तो सोचना है कि कौन सी ट्रेन पहले छपरा पहुँचे, अगर वो चली गई पहले तो हम लोग मिस हो जाएंगे, अगर ये पहले गई तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अभी क्रॉसिंग होती है तो देखते हैं कौन सी ट्रेन पहले निकलती है, अगर वो निकलेगी तो हम लोग यहीं से उसमें बोट हो जाएंगे, क्योंकि अब रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि बलिया हमने रिस्क लिया था तो हम लोग आगे आगे चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ से रिस्क नहीं लेने का, तो देखते हैं। गाइस अभी पता चला हम लोग को कि अभी जस्ट साबरमती क्रॉसिंग होने वाली है ना, जैसा कि आपने आप लोग बताया था, तो हमने डिसाइड कर लिया कि अब चलते हैं उसी ट्रेन में, क्योंकि अब वो ट्रेन पहले ही जाएगी, क्योंकि इस ट्रेन का लास्ट डेस्टिनेशन छपरा ही है, और उस ट्रेन का सियाला जाना है, तो उसको तो लेट करेगी नहीं, पहले उसी को निकालेगी, तो हम लोग उस ट्रेन में से जाना है, तो हम लोग सीधे चलते हैं, बसिंग बोर्ड करते हैं और इसको यहीं पे करते हैं डी बोर्ड। छपरा तक तो जर्नी थी इससे, बट लेकिन मजबूरी है तो क्या करें, छपरा तक नहीं पहुँचना है, और वो ट्रेन भी आ चुकी है, क्रॉसिंग बताई थी। तो भाई जैसा कि हमने बताया था आपको कि ये बनिया सियालदा वाली ट्रेन ही पहले रवाना होगी, और यही हुई भी, देख सकते हैं वो गंगा कावेरी अभी तक खड़ी है, जिसको हमने डिबोट कर दिया है। तो अगर जर्नलिस्ट से बात करें उस ट्रेन की, अब तो हम लोग इस ट्रेन में आ चुके हैं, बट उस ट्रेन की बात करें गंगा कावेरी की, तो जर्नलिस्ट बेहतर था, और क्लियरनेस बात करें साफ सफाई तो ठीक थी कोच की भी और वाशरूम की भी, बट ट्रेन पंचुअलिटी बात करें ना, तो बस वही दिक्कत थी, और ट्रेन भी सही चल रही थी, अब चैन पुलिंग लोग करेंगे तो ट्रेन तो डिले होगी ही होगी ना, बस यही सब था जर्नलिस्ट में। तो सो गाइस चलिए तब तक इस ब्लॉग को करते हैं पेंट, क्योंकि हम लोग इस ट्रेन में आ चुके हैं, इस जर्नी करते हैं पेंट, और फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन PR प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हवाई आदि ब्लॉग्स नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए खाते रहें, पीते रहें, सुनते रहें, अपने भाई साथ ऐसे ही जर्नी करते रहें, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।